कलेक्टर कार्यालय पर दिल्ली पुलिस द्वारा नागपुर के पत्रकारों पर आतंकी हमला, छापेमारी, लैपटॉप, स्मार्टफोन जब्त करना, देशद्रोह की धारा लगाना, सोशल मीडिया पर आवाज उठाने वाले पत्रकारों की आवाज को दबाना, क्यों? इसलिए भारत में जाति की प्रामाणिकता को बिहार जाति जनगणना में लाया गया। पत्रकार विश्लेषण के रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सच्चाई बता रहे थे कि कैसे 15% लोग नौकरियां, व्यापार, मीडिया, राज्य, सत्ता, धर्म, मंदिरों पर नियंत्रण रखते हैं और 85% लोगों का शोषण करके उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाते हैं। मोदी सरकार की अभिव्यक्ति पर लगी रोक को तोड़ना संभव है। इस घड़ी में नागपुर के वैरायटी चौक में पत्रकारों के ऊपर अत्याचार पर मोर्चा निकाला गया था। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चित्तौड़ से आपने देखा होगा, पत्रकार एक निर्भीड़ पत्रकार है और जो सच्चाई है लोगों के सामने लाने वाले पत्रकार है और पत्रकारों के वजह से लोगों को न्याय भी मिलता है। जब तक ये मीडिया लोगों तक अपनी जो सरकार की मनमानी सामने नहीं लाता तब तक उनको न्याय नहीं मिलता। ये न्याय देने वाले पत्रकारों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार शुरू है उनके ऊपर बंदी की जा रही है, इसका निषेध करने के लिए वामपंथी मोर्चा और इंडिया के लोग इकट्ठा है और निश्चित तौर से आज न कल ये पत्रकारों को न्याय मिलेगा ही मिलेगा और उन पत्रकारों के पीछे हमारा सारा संगठन बीजेपी छोड़ के सभी पत्रकारों के समर्थन में रस्ते पे उतरे हैं और ये छोटी सी लड़ाई है, आगे ये लड़ाई बड़ी हो सकती है। अगर पत्रकारों के अगर हमले हो गए, देश में लोकशाही खतरे में आ गई है, लोकशाही का खून हो रहा है, जो चौथा स्तंभ अपन बोलते, निश्चित तौर से हम टीवी भी देखते, पूरे देश में क्या चल रहा है हमको मालूम नहीं रहता, आपके माध्यम से हमको मालूम होता है, इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा करना हमारा काम है, इसलिए हम रास्ते पे आए। देखिए, जनता की आवाज, लोगों के प्रश्नों को जनता तक पहुंचाने का काम अगर कोई करता है, देश का चौथा स्तंभ वो है प्रेस, प्रेस के माध्यम से, और प्रेस को पूरी आज़ादी मिलना चाहिए। जिस तरीके से अभी मोदी सरकार ने दो पत्रकार को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दो पत्रकारों पर उनको देशद्रोही का कानून लगाया है, ये तो बड़ी आश्चर्य, सरासर तानाशाही का रवैया है। उनको लगने लगा है मोदी सरकार को कि वो देश से जा रहे हैं, जो उनको सीटें मिली थी 328 अभी उनको 125 सीट कम हो रही है, देश से मोदी सरकार जा रही है। तो उनको लगने रहा कि अगर ये प्रेस मीडिया, जो हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ है, वो अगर प्रेस मीडिया हमारे खिलाफ में उतर जाएगा तो वो तो और परेशानी में आ जाएंगे, इसलिए वो सबको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में हर जो भी उनके खिलाफ में बोल रहे हैं, बीजेपी, आरएसएस के खिलाफ में, तो उन पर वो देशद्रोही का मुकदमा लगा रहे हैं। हम वामपंथी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक आघाड़ी के लोग, बीजेपी को छोड़ के तमाम जितने जन संगठन के लोग हैं जो इस मोर्चे में आना चाहते हैं, पत्रकारों को सपोर्ट में आना चाहते हैं, हम अपना निवेदन यहाँ से लेके कलेक्टर ऑफिस में जाएंगे, वहाँ राष्ट्रपति को हम निवेदन देंगे और उनसे कहेंगे जो उन पर देशद्रोह कानून लगाया है उसको तुरंत वापस लेना चाहिए। इस मांग को लेकर ही हमारा मोर्चा का आयोजन में यहाँ किया है और जनता से भी अपील है हमारी कि इस मोर्चे में शामिल हुई है। जो खिलाफ में बोलते उनको अंदर किया जाता है और बरोबर राशन में इस चीज में नहीं है, मोदी पत्रकारों को अपने खरीद लिया जाता है, वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को धमकाया जाता है, बोलते हम पैसा नहीं आने देंगे, बोलते कांग्रेस में हम पैसा नहीं आने देंगे, वो सब अंदर और वो अंग्रेजों में जाके मिलके सब वो क्या खेला जा रहा है, लोगों को तबाह कराता रहता है, देश खतरे में, देश को बचाओ, भारत माता की। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए खुशबू परियानी की खास रिपोर्ट। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर्स से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयां मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेंपल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।